शरीर में सलमानेला टाइप नामक जीवाणु संक्रमण हेले टाइफाइड ज्वर होइथाय। एही रोग हेले मनुष्य शरीर रक्त कमी जाए एवं प्रतिरक्षा प्रणाली और जकृत ठीक भावे काम करेनी। टाइफाइड जोगु अनेकों को झाड़ा हेबा भली समस्या देखा जाए। एथिपाई टाइफाइड रोगी को डाक्तर माने एक निर्दिष्ट डाएट फॉलो करने को परामर्श देता। तबे टाइफाइड होइथिले कौन सब खाइबा उचित आसंतु जानिबा। टाइफाइड रोगी को शोष हुए तेणु डिहाइड्रेन भली समस्या देखा जाए। यही समय रोगी को यथासंभव तरल खाद्य खाइबा उचित। प्रतिदिन अति कम्रे 8 ग्लास पानी पियंतु। टाइफाइड रोगी नड़िया पानी तथा पैड़ पीवा अत्यंत लाभदायक। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य खाइबा द्वारा टाइफाइड रोगी को लाभ मिलता है। तेणु सीझा आलु तथा भात खाई कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा रही। टाइफाइड ज्वर मुक्ति पाइबापी किसमिस सबुठ भल खाद्य। यहाँ औषध रूपे व्यवहार करा जाए। किसमिश्रे संदर्भ लुण मिसाई अबा यह अल्प भाजी खाइबा द्वारा ज्वर कम होता है। जदि ज्वर अधिक बढ़े तेरे 4-5 किसमिश को भाजी प्रतिदिन खाईपर। टाइफाइड ज्वर रोगी बहुत दुर्बलता अनुभव करती। एपरी परिस्थिति में शरीर को शक्ति जोगाइबापी दुग्धजात द्रव्यगुड़िक अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हुए। शरीर को शक्ति देवा भली आपण दही भली अन्य दुग्धजात द्रव्य खाईपर। टाइफाइड ज्वर में डाक्तर रोगी को अधिक क्यालोरीयुक्त खाद्य खाया को परामर्श दिखती। वास्तव में यह ज्वर में जड़े व्यक्तिर शरीर दुर्बल हो जाए और धीरे धीरे ओजन कमिवाक लगे। एपर स्थित शरीर को शक्ति देवाई उच्च क्यालोरीयुक्त खाद्य खावा उचित। आपण कदमी मीठा आलु व कंदमूल एवं पनीपरिया कि बटर भली खाद्य खाईपर। आपण को जदि टाइफाइड रोग हो तेज सब खाद्य डाक्तर परामर्श नहीं खातु। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।